दोस्तों आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए सामान्य प्रबंधन का जो अध्याय 6 है नियंत्रण, उसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं। आपने अभी तक हमारे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे देख लीजिए, क्योंकि पटवारी में इसी से ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हमारे वीडियो से बाहर नहीं जाएगा। पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया था अध्याय 6 से, नियंत्रण आवश्यक है। ए लघु उपक्रम हेतु, बी माध्यम सरणी हेतु, सी बड़े आकार वाले उपक्रम हेतु, डी उपरोक्त सभी। इसका जो डी आंसर है बिल्कुल सही है, क्योंकि उपरोक्त सभी है नियंत्रण के आवश्यक, इसलिए इसका डी ऑप्शन होगा। इसके बाद दूसरा पूछा गया, निम्न में से कौन सी नियंत्रण की कमी नहीं है। नियंत्रण की कमी नहीं है विचलन का ज्ञान, यानी कि डी ऑप्शन होगा। इसके बाद तीसरा, एक संगठन का नियंत्रण संबंधित कार्य है। इसका जो बी ऑप्शन है पीछे देखना, यानी कि भविष्य की ओर देखना, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद चौथा पूछा गया, नियंत्रण एक है, नियंत्रण एक सुधारात्मक प्रक्रिया होती है, ना तो नकारात्मक प्रक्रिया होती है ना ही सकारात्मक, नियंत्रण एक सुधारात्मक प्रक्रिया है, इसलिए सी ऑप्शन होगा। पांचवा, नियंत्रण एवं नियोजन है, नियंत्रण और नियोजन परस्पर निर्भर कार्य है, एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, इसलिए बी ऑप्शन होगा, परस्पर निर्भर कार्य। इसके बाद छठवां पूछा गया, नियंत्रण की सीमाएं है, नियंत्रण की सीमाएं हैं, ए अत्यधिक व्यापक भी है, बी उत्तरदायित्व निर्धारण में कठिनाई, सी कर्मचारी द्वारा विरोध, डी उपरोक्त सभी। यह तीनों नियंत्रण की सीमाएं हैं, इसलिए डी ऑप्शन होगा। इसके बाद सातवां, नियंत्रण का महत्वपूर्ण लक्षण है, नियंत्रण का महत्वपूर्ण लक्षण है ए ऑप्शन सर्वव्यापी कार्य, बी सार्वभौमिक प्रक्रिया, सी नियंत्रण प्रक्रिया, डी ए सभी। यह तीनों नियंत्रण के लक्षण है, इसलिए डी ऑप्शन है। इसके बाद आठवां पूछा गया, नियंत्रण एवं नियोजन है, नियंत्रण और नियोजन आपस में संबंधित होते हैं, इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद नौवां पूछा गया, नियंत्रण एक है, नियंत्रण स्वामी के आदेश पर की जाने वाली प्रक्रिया है, इसलिए इसका सी ऑप्शन होगा। इसके बाद दसवां, नियंत्रण का मकसद है, ए ऑप्शन इस बात के लिए आश्वस्त होना कि कार्य नियोजन के अनुसार हो रहा है, बी कार्यों का समन्वय करना, सी अनुशासन एवं मनोबल बनाए रखना, डी उपरोक्त सभी। इसका डी ऑप्शन होगा। इसके बाद ग्यारहवां, नियंत्रण हेतु मानक होने चाहिए, नियंत्रण हेतु मानक स्पष्ट होने चाहिए, प्रमाणन योग्य होना चाहिए, सी मापन योग्य होना चाहिए, डी उपरोक्त सभी। इसका डी ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी। इसके बाद बारहवां, उत्तरदायित्व नियंत्रण के सिद्धांत के अनुसार
इसका जो डी ऑप्शन है, नियंत्रण उस व्यक्ति को नहीं करना चाहिए जो उस कार्य के लिए उत्तरदायी है, इसलिए डी ऑप्शन होगा। इसके बाद 13वां, परिस्थितियों के अनुसार निम्न किस सिद्धांत के अनुसार समायोजन कर लेना चाहिए। पुनः अवलोकन के सिद्धांत यानी कि सी ऑप्शन सही है। इसके बाद 14, नियंत्रण संबंधित है। नियंत्रण का संबंध होता है परिणाम से, यानी कि ए ऑप्शन है, परिणाम। 15वां, बजटरी नियंत्रण प्रबंधन का नहीं है। स्थानापन्न यानी कि सी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद 16वां, उल्लेखनीय विचलन होने पर भी प्रबंधकों का ध्यान आकर्षित करना चाहिए। यह तथ्य नियंत्रण की निम्न किस तकनीक पर आधारित है। इसका जो ए ऑप्शन है, अपवाद द्वारा नियंत्रण, बिल्कुल सही है ए ऑप्शन। इसके बाद 17वां, बजटीय नियंत्रण के लिए आवश्यक है। इसका जो उत्तरदायित्व है डी ऑप्शन, बिल्कुल सही होगा। इसके बाद 18, पूछा गया लागत नियंत्रण के लिए कौन सी लेखांकन तकनीक महत्वपूर्ण है। प्रमाप लागत लेखांकन यानी कि ए ऑप्शन सही होगा। इसके बाद 19, निम्न में से कौन सा उत्तरदायित्व लेखांकन में उपयुक्त नहीं है। अंतः केंद्रित यानी कि बी ऑप्शन सही है। दोस्तों, जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे हमारे ही वीडियो से पूछे जाएंगे, क्योंकि हर चैप्टर के ऑब्जेक्टिव हम आप लोगों के लिए वीडियो के माध्यम से अपलोड करेंगे। इसके बाद 20, नियंत्रण प्रक्रिया में तनाव कब उत्पन्न होता है। तनाव जब बलपूर्वक नियंत्रण पर, जब कोई व्यक्ति बलपूर्वक अपना नियंत्रण दिखाता है तो तनाव की स्थिति पैदा होती है, इसलिए सी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद 21 नंबर का पूछा गया, एक मार्केटिंग फर्म में वित्तीय प्रबंधक कुरियन खर्च में 15% की वृद्धि की तुलना में विपणन लागत में 3% की वृद्धि पर अधिक ध्यान देता है। प्रबंधक द्वारा उपयोग की जा रही अवधारणा को पहचाने। इसका जो डी ऑप्शन है, महत्वपूर्ण बिंदु नियंत्रण, बिल्कुल सही है। इसके बाद 22, श्रमिकों को कम करना, कारखाने में अनुपस्थिति को 20% तक कम करना, .. का एक उदाहरण है। मात्रात्मक मानक यानी कि ए ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला पूछा गया 23, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य को नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। इसका जो बी ऑप्शन है, यह कार्रवाई में समन्वय को प्रतिबंधित करता है जो आवश्यक नहीं है, इसलिए बी ऑप्शन सही है। इसके बाद 24, नियंत्रण को पिछड़े दिखने वाले कार्य के रूप में जाना जाता है। यह पिछली गतिविधियों के पोस्टमार्टम की तरह है, इसलिए बी ऑप्शन सही है। इसके बाद 25, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नियोजन तथा नियंत्रण के मध्य संबंध को उजागर नहीं करता। ए, योजना और नियंत्रण प्रबंधन के वियोज जुड़वा है, इसलिए ए ऑप्शन सही है। इसके बाद 26 नंबर का पूछा गया, नियंत्रित
कार्य की आवश्यकता ... में महसूस की जाती है। ए ऑप्शन है इसका, व्यापारिक संगठन, बी राजनीतिक संगठन, सी सामाजिक संगठन, डी उपरोक्त सभी। इसका जो डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी होंगे। इसके बाद 27, यह सुनिश्चित करने के प्रक्रिया है कि कार्यक्रम योजनाओं के अनुरूप हो। ए योजना, बी नियंत्रित करना होगा, इसलिए इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया 28, एक कृत्रिम संयंत्र निर्माण इकाई में एक श्रमिक के लिए निर्धारित मानक उत्पादन प्रतिदिन 50 यूनिट है। एक दिन में 50 यूनिट है। दिनेश एक दिन में 48 यूनिट ही उत्पादन करता है। दिए गए मामले में विचलन का मान होगा -2, क्योंकि विचलन हमेशा माइनस में ही आता है, इसलिए इसका ए ऑप्शन होगा। इसके बाद अगला पूछा गया 29, नियंत्रित कार्य ... द्वारा किया जाता है, शीर्ष स्तरीय प्रबंधन द्वारा, निचले स्तर के प्रबंधन द्वारा, सी मध्य स्तर के प्रबंधन द्वारा, डी उपरोक्त सभी। तीनों स्तरों द्वारा किया जाता है, इसलिए डी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद 30, जब वास्तविक प्रदर्शन और नियोजित प्रदर्शन के बीच विचलन सीमा के भीतर हो तो कोई सुधारात्मक कार्रवाई की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही है। इसके बाद 31, नियंत्रण कार्य प्रबंधन चक्र को ... पर वापस लाता है, इसका जो सी ऑप्शन है योजना समारोह बिल्कुल सही होगा, सी ऑप्शन। इसके बाद अगला पूछा गया 32 नंबर का, नियंत्रण प्रबंधन की निम्न कौन सी अवधारणा इस विश्वास पर आधारित है कि यदि आप सब कुछ नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं तो आप कुछ भी नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। इसका जो सी ऑप्शन है अपवाद द्वारा प्रबंधन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया 33, नियंत्रण प्रक्रिया में शामिल चरणों के सही क्रम की पहचान करें। इसके 5 चरण होते हैं। पहला चरण है निष्पादन के मानकों की स्थापना, इसका जो सी है इसमें यह पहला है, प्रदर्शन के मानकों की स्थापना, इसलिए इसमें ये पहला मिल रहा है। अब दूसरा है इसका वास्तविक निष्पादन की माप, यह भी है वास्तविक प्रदर्शन का मापन, दूसरा भी है। तीसरा है मानकों के साथ वास्तविक प्रदर्शन की तुलना, यह तीसरा है। फिर इसके बाद चौथा विचलन का विश्लेषण, फिर पांचवा है सबसे अंतिम सुधारात्मक कार्रवाई, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही है। आप इसके क्रम को याद कर लीजिएगा, इसी प्रकार का क्रम पूछा जाएगा। इसके बाद अगला पूछा गया 34, विचलन की प्रकृति को सकारात्मक कहा जाता है जब वास्तविक प्रदर्शन नियोजित प्रदर्शन से अधिक होता है, तब उसकी प्रकृति को सकारात्मक कहा जाता है, इसलिए बी ऑप्शन सही है। इसके बाद 35, वास्तविक प्रदर्शन को मापने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक का उपयोग किया जाता है। इसके बाद अगला पूछा गया 35,
वास्तविक प्रदर्शन को मापने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक का उपयोग किया जाता है? ए ऑप्शन यादाक्षिक नमूनाकरण, बी व्यक्तिगत अवलोकन, सी प्रदर्शन रिपोर्ट, डी उपरोक्त सभी। इसका जो डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी, क्योंकि यह तीनों हैं। इसके बाद 36, एक नियंत्रण प्रणाली जिसमें नियंत्रण क्रिया किसी तरह के आउटपुट पर निर्भर होती है कहलाती है। इसका जो ए ऑप्शन है बंद लूप सिस्टम कहलाती है, इसलिए ए ऑप्शन सही है। इसके बाद 37, बंद लूप नियंत्रण प्रणाली में प्रतिक्रिया के सकारात्मक मूल के साथ सिस्टम का समग्र लाभ होगा, कमी होना, यानी कि ए ऑप्शन सही है। इसके बाद 38, खुली नियंत्रण प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन आवश्यक रूप से सही नहीं है? इसका जो बी ऑप्शन है गैर रैखिकता की उपस्थिति खराबी का कारण बनती है, इसलिए बी ऑप्शन नहीं है, बी ही नहीं होगा और तीनों होंगे। इसके बाद 39, दोलन करने की प्रवृत्ति है। इसका जो बी ऑप्शन है बंद लूप सिस्टम एक प्रकार का दोलन करने की प्रवृत्ति मानी जाती है, इसलिए बी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद 40, अज्ञात यादाक्षिक क्रियाओं के तहत कार्य करने वाली नियंत्रण प्रणाली कहलाती है। इसका जो सी ऑप्शन है स्टोकास्टिक नियंत्रण प्रणाली कहलाती है, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। दोस्तों इस प्रकार यह 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न अध्याय 6 से बनते हैं और आगे के जो चैप्टर है हम आप लोगों के लिए जल्दी से जल्दी वीडियो अपलोड करेंगे, जिससे जिन्हें देखने के बाद आपके पटवारी के एग्जाम में बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे। आपसे यही विनती है कि हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।